गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले अब हमने डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिया, हमने सब कुछ कवर कर लिया। ये फॉर एलाइड स्टूडेंट्स है। आज एक मॉक सीरीज टेस्ट है, 30 क्वेश्चंस है। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आज कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप जिसका आंसर, जो बच्चा मुझे सबसे ज़्यादा फास्ट आंसर देगा, 10 सेकेंड्स आपके पास है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना आता है। तो सबसे पहली चीज़ है, ये एक टेस्ट सीरीज है, एक तरह से आपकी रिवीजन टेस्ट ही है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं। अगर इजी हैं तो जितना जल्दी आप उसको ग्रैस्प करते हो और रिपीट करते हो वो सारा, क्योंकि आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स करवा दिए, सारे लिंक्स करवा दिए। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एक तरह से मॉक टेस्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है प्लीज़ इस रिवीजन टेस्ट को जरूर दो। क्यों? अगर आज आप देते हो तो कल एक और रिवीजन टेस्ट, उसके बाद तो आपका एलाइड का पेपर आ ही जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और बोलते हैं, जब आपका एलाइड का पेपर होगा उसके बाद हम आपको वो सॉल्व करके भी देंगे। जैसे मेरा जीके सेक्शन है तो मैं आपको जीके सेक्शन जरूर एक्सप्लेन करके दूंगी। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं और एक घंटे का टाइम है। तो 10 सेकेंड्स और आपको आंसर करना है। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो शुरू करें स्टूडेंट्स। और आज आपके पास टारगेट है, अगर आपको मॉक सीरीज करनी है या टेस्ट सीरीज करनी है, तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जिसको आपने बोल दिया आंसर, मैंने वही टिक लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी इन, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी। ओके, जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एमसीक्यूज एलाइड के लिए, कल उसका सेक्शन भी मैं ले लूंगी, कोई बात नहीं दामिनी। बट अब आप ये बताइए, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 10 सेकेंड्स है, जो जल्दी आंसर देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एचपी डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी। देखते हैं किस किस का आंसर सही है। शबनम 1 का ए, ममता कुमारी, सचिन ठाकुर, प्रिया डोगरा, सुनीता कौशल, आयना कुमारी, मोनिका, निशु ठाकुर, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग निशु ठाकुर, सुरभि शर्मा 1956, निधि मोहिल 1956 to 1971, यस, विकास जम्वाल, दामिनी शर्मा का आंसर नहीं आया अभी तक, सुरभि शर्मा, प्रीत कौर, ए। सो जिन्होंने आंसर दिया ए वो बिल्कुल सही है, 1956 से लेकर आपका 71। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, उपराज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल कौन थे, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। तो कौन थे, ओ दामिनी शर्मा मैंने आंसर नहीं देखा, यस विकी धीमान, बजरंग बहादुर, में आपका हिमाचल बना था, 1950 में महासू की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी जिसमें कोटखाई कसुमटी सारे ऐड हुए थे, 1971 में आपका स्टेटहुड डे है, और 1956 में आपका क्या बनी थी, यूनियन टेरिटरी। एक और चीज, हिमाचल किस पार्ट, कौन सा पार्ट था पहले, ये किस पार्ट में आता था, ए बी सी, जल्दी बताइए। आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश जो था, इस स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले किस भाग में आता था, ए बी और सी। पार्ट सी, ममता कुमारी, वेरी फास्ट, पार्ट सी किसमें आता था, पार्ट सी, वेरी गुड,
यस, सभी ने आंसर्स दिए हैं। पार्ट सी सुनीता, शबनम, कौशल, सौरभ कुमार, अंशिका, जागृति, निशु ठाकुर, प्रिया डोगरा, निधि मोहिल। यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके आगे। नलवाड़ी फेयर, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आएगा बिलासपुर। नाउ नलवाड़ी फेयर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू, चंबा, मंडी, बिलासपुर। कुल्लू, चंबा, मंडी, बिलासपुर। फास्ट, 10 seconds। शुरू किया था ये फेस्टिवल, ये फेयर किसने शुरू किया था? यस, कुशल चंदेल ने सही आंसर दिया है, गोल्डस्टीन। कब शुरू हुआ था? 1889। राइट दामिनी शर्मा, गुड। कहाँ पे मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर यस विक्की धीमान, लोहनू ग्राउंड। तो आंसर इज बिलासपुर। कुल्लू में कौन सा फेस्टिवल फेमस है? कुल्लू का कौन सा फेस्टिवल फेमस है? नमता कुमारी, गुड। शिवाली शर्मा, वेलकम टू द क्लास, जल्दी बताइए। कुल्लू का कौन सा फेस्टिवल फेमस है और कौन से ग्राउंड में है? दशहरा, कौन से ग्राउंड में है? यस, दशहरा, ढालपुर, गुड। सभी ने आंसर सही दिया है, लगता है आपकी बहुत अच्छी से तैयारी है। क्या है आपका? ढालपुर। और अब मंडी का भी बता दीजिए, मिंजर इन चंबा, गुड। नेक्स्ट ऑप्शन मंडी, नेक्स्ट ऑप्शन मंडी, जगत सिंह ने शुरू किया था। यस, ढालपुर, ढालपुर, मंडी का भी बता दीजिए। मंडी और कौन सा ग्राउंड? कुल्लू आपने बताया, दशहरा, ढालपुर, किसी ने आंसर दिया है चंबा, मिंजर जो होता है चौगान में। नाउ मंडी, शिवरात्रि, यस शिवरात्रि, और कहाँ पे? पड्डल ग्राउंड। सूरज सेन, और वैसे मंडी के फाउंडर कौन थे आपके टाउन के? वो थे अजबर सेन, जिन्होंने भूतनाथ मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल इज, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल इज, नेक्स्ट। ये सभी ने आंसर दिया है पडल ग्राउंड। अंशिका, साहिल, मोनिका, विक्की धीमान, निशु ठाकुर, जगदीश कुमार, सौरभ कुमार। नेक्स्ट आंसर बताइए जल्दी। 123, 460, 188, 327, अजबर सेन, राइट। 123, विक्की धीमान, फास्ट, नरेंद्र कुमार, थ्री का ए, थ्री का ए, यस, थ्री का क्या है? ए। आपके सामने ऑप्शंस है, आपको और किसी की लगती है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी किसी की लगती है कि ये इस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी है तो आप बता सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर, और जितना हो सकता है सभी स्टूडेंट्स को बोलो इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। 123 नाउ, 460 कितनी है? 460 है इंडिया की। 188, 188 नहीं, अक्षिता मेहता आपका गलत है, इट्स इंडिया। नाउ 188, 327 नहीं है अंशुल शर्मा, 327 बिलासपुर की है और 188 सिरमौर की है। मंडी की है 253 और कांगड़ा की है 263। 327 नहीं है, लाहौल स्पीति की जो है 2 square kilometers। कैम शर्मा आपका आंसर गलत है, हमीरपुर की नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं विक्की धीमान, इट्स 460, यू कैन चेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिवर यमुना हैज मिथिकल रिलेशन विद, यमुना का मिथिकल पौराणिक रिश्ता किसके साथ है? यस निधि मोहित आपका सही है, सचिन ठाकुर ने कट कर दिया है, सुनीता कौशल सिरमौर। नाउ नेक्स्ट बताइए, कालिंदी फोर्थ का सी, हेमराज सख्यन, दामिनी शर्मा, सूर्य, ममता, आयना, कैम, जागृति, अंशिका, लक्ष्मी, निशु ठाकुर, शबनम, सौरभ कुमार। यस जिसने भी दिया है आंसर सूर्य, वो बिल्कुल सही है। यमुना का जो मिथिकल रिलेशन है वो है सूर्य से। विष्णु का अवतार कौन है? विष्णु का छठा अवतार कौन था? परशुराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लोहरा टू करतारपुर इन 1520? नेक्स्ट परशुराम। यस नेक्स्ट बताइए, विच किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लोहरा टू करतारपुर? करतार सेन, ममता कुमारी। यस फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, करतार सेन। और पनगना से लोहरा किसने की थी? लोहरा, ये कैपिटल पनगना से लोहरा किसने की थी? पनगना से लोहरा, तो किसने की थी पनगना से लोहरा? महान मदन सेन, सॉरी महान नहीं, मदन सेन, जिसने गुम्मा और दरंग पे भी अटैक किया था, और भोसाल जो था राजा भोसाल को उसने मोनाली से लेकर आपका बजोरा तक का सारा एरिया दे दिया था। और क्या था, ये सुकेत के राजा है, ठीक है। और सुकेत जो था इस टाइम पे सबसे अच्छी बोलते हैं ना सिचुएशन में था, तो किसके टाइम पे था? मदन सेन, श्याम सेन नहीं है, अर्जुन सेन नहीं। करतार सेन के बाद जो रूलर आया वो कौन था? अर्जुन सेन, और श्याम सेन ने जीत सेन को हराया था, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं गलत, ये सारे हम कर चुके हैं। यस मदन सेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां डिलाइटेड विच किंग एंड गेव हिम अ चांस टू ओन द करेंसी? शाहजहां ने किस राजा को जो है प्रसन्न किया था, उसको खिल्लत की उपाधि भी दी थी, और उसको जो है बोला गया था कि आप अपनी जगह पे जो है वो क्या बोल सकते हैं, मुद्राएं जो है अपनी चला सकते हैं, करेंसी अपनी चला सकते हैं, तो वो क्या है? यस गोल्डन पीरियड। तो श्याम सेन, राम सेन, जगत सिंह या जीत सिंह? जल्दी 10 seconds। श्याम सेन, गुड। धामिनी शर्मा फास्ट। जगत सिंह नहीं, कैम शर्मा आपका गलत है। जगत सिंह नहीं। जगत सिंह नहीं है, जगत सिंह जो है आपके ये नूरपुर के राजा थे, और राम सेन ने रामगढ़ दुर्ग बनाया था। ठीक है, तो जीत सेन को हराने वाला कौन था? श्याम सेन।
और श्याम सेन की शिकायत पे औरंगजेब ने इसको कैद में डाल दिया था। तो आंसर कौन है आपका? श्याम सेन। द आंसर इज श्याम सेन। यस, जिन्होंने ए आंसर दिया है, आंसर इज श्याम सेन, कैम शर्मा। जगत सिंह की शिकायत पे औरंगजेब ने श्याम सेन को कैद में रख लिया था। और आपको पता है कि श्याम सेन ने फिर महुनाग की तपस्या या महुनाग से विश की थी कि मुझे फ्रीड किया जाए, और उसको फिर जागीर भी दी थी। तो ये नहीं है, राम सेन ने रामगढ़ दुर्ग बनाया, जीत सेन इज डिफीटेड बाय श्याम सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज अपना रिफ्रेश कीजिए पेज। और जो जगत सिंह था वो नूरपुर में, जब नूरजहां जहांगीर के साथ आई थी, तो जगत सिंह ने नूरपुर का नाम कैसे रखा था? नूरजहां के नाम से। तो अब आप ये बताइए, विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट? यस, ए गग्गल, कहाँ पे है? कांगड़ा में, जुब्बरहट्टी शिमला सोलन के बीच में, भुंतर कुल्लू। और मैंने आपको एक रिसेंटली बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे में ये भी डिसाइड हुआ था कि मंडी में नागचला के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कि जब इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 20 डिस्कस हुआ था, तो उसमें जयराम ठाकुर जी ने बोला था कि मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पर कहाँ पे? नागचला में। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड? कल किया है हमने ये, भुंतर कुल्लू। यस, वो वहीं पड़ता है भाई। स्टूडेंट्स, अगर कंटेंट अच्छा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए और सभी तक पहुंचाइए ये चीज कि मॉक टेस्ट चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर, एज जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए। शिमला, यस, 1955 में कहाँ पर बना था आकाशवाणी केंद्र या रेडियो स्टेशन, वो कहाँ पर बना था? शिमला में। अब मुझे एक चीज बताइए, चंबा मंडी कुल्लू, चंबा में रंग महल किसने बनाया था? चंबा में रंग महल किसने बनाया है? चंबा में रंग महल किसने बनाया है? छतर सिंह ने? नहीं, गलत। दामिनी शर्मा, आपका गलत है। यस, उमेद सिंह, उमेद सिंह, जिसने चंबा का चमुंडा टेंपल भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी ऑफ हिमाचल? उधम सिंह नहीं है भाई, उमेद सिंह है। हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी ऑफ हिमाचल? ममता विजय, गलत है। नड्डा महल भी इन्होंने बनाया था। यस, हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी ऑफ हिमाचल? दामिनी शर्मा, भज्जूमल। आप क्या कर रहे हो, भज्जूमल कहाँ से हो गया? भज्जूमल तो फ्रंटियर गांधी है, पहाड़ी गांधी पूछा। बाबा कांशीराम, यस, द आंसर इज बाबा कांशीराम। इनको पहाड़ा द बुलबुल भी कहा जाता है, इनको पहाड़ा द बुलबुल भी कहा जाता है। भज्जूमल को आप क्या कहते हो? फ्रंटियर गांधी। और निकोलस जो है वो महारिषि है, केहरी सिंह जो है वो छत्रपति, या फिर आप उसको क्या बोलते हो? अजाना बहु। तो ये कोई भी पूछा जा सकता है आपसे।
यस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और पहाड़ा द बुलबुल जो है वो किसने रखा था, ताल कॉन्फ्रेंस में सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड इंद्रा प्रेजेंटेड पशुपति अस्त्र टू विच पांडव एंड वेयर, मतलब जो भगवान इंद्र थे उन्होंने एक पशुपति अस्त्र दिया था पर किस पांडव को दिया था और कहाँ पे दिया था। आंसर इज ये प्रीनी है, जल्दी बताइए। अर्जुन प्रीनी, यस आंसर इज प्रीनी। अर्जुन ने तपस्या की थी, ये मनाली के पास प्रीनी विलेज है, वहां पे तपस्या की थी पहाड़ में गुफा में जाकर, और उस गुफा में उन्होंने किस देवता की पूजा की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंद्रा की थी। भीमा जो है दैट इज रिलेटेड टू आपके मनाली से रिलेटेड है, किसके हस्बैंड थे ये, आपके हिडिम्बा देवी के, और हिडिम्बा से रिलेटेड की हिडिम्बा जो थी वो मनाली की मेन डाइटी है यानी मेन गॉडेस है। हिडिम्बा है कौन, वो वाइफ है इसकी भीमा की, और आज जो है हिडिम्बा के नाम से वहाँ पे एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, डुंगरी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये नहीं है। युधिष्ठिर करसोग से हैं, करसोग में जो कमख्या मंदिर है वहाँ से रिलेटेड है। और नैरी अगर आपको याद रखना है, ये मैंने सिर्फ ऑप्शंस दी हैं, इसको याद रखो, नैरी जो है जहाँ पे बाबा रुद्रनाथ का आश्रम था, और किसने बनाया था, साहिल वर्मन ने बनाया अपनी बेटी की याद में यानी चंपावती। तो ये नहीं है, नैरी ऊना में है, करसोग मंडी में है, मनाली कुल्लू में। तो आंसर इज ए, यस डुंगरी फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड हैंगरैंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज अ जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड हैंगरैंग वैली फ्रॉम द तिब्बत एज जागीर, किसको हैंगरैंग वैली तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी। यस केहरी सिंह, आंसर इज केहरी सिंह। इसने एक फेस्टिवल भी शुरू किया था, कौन सा फेस्टिवल था, लवी फेयर, लवी फेयर। केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी औरंगजेब ने। अजाना बहु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, और कहा जाता है कि अपने माथे से आई थिंक जो टोज का थम होता है ना उसको भी टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शमशेर प्रकाश, छतर प्रकाश और राजा। तो अगर हम शमशेर प्रकाश की बात करें तो कौन सा ऐसा रूलर था बुशहर का जिसने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया था 1857 में, वो थे शमशेर प्रकाश। ठीक है, छतर प्रकाश जो है, अगर छतर प्रकाश की बात करें तो छतर प्रकाश जो है एक तरह से फादर ऑफ केहरी सिंह। और एक और है कि छतर प्रकाश ने कामरू से, ये भी क्वेश्चन याद रखना, कामरू से सरहान कैपिटल किसने की, छतर प्रकाश ने, और राजा राम सिंह ने सरहान से रामपुर किसने किया, राम सिंह ने। ठीक है, तो आंसर इज आपका क्या आएगा, केहरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 seconds, व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहतांग पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहतांग पास। ये शमशेर प्रकाश जो लिखा है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको शमशेर सिंह कर लो। शमशेर सिंह कर लेना, इसको टाइपिंग एरर है, ये छतर सिंह, और आपका जो है राजा वहां, एक चीज मैं कर ही देती हूँ आपको, यहाँ पे टाइपिंग एरर्स हैं, ये आएगा सिंह और ये भी आपका सिंह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहतांग पास, ये 3978 हाइट भी बोलते हैं, और ये है किसकी दर्रा, अगर देखा जाए तो ये है आपकी लाहौल और
कुल्लू का पास, ठीक है। विच लीडर वॉज लेड बाय सुकेत सत्याग्रह, सुकेत सत्याग्रह किसने चलाया था, सुकेत सत्याग्रह। जल्दी 22 का ए, 22 कहाँ पहुंच गए हम, पंडित पद्मदेव। यस आंसर इज पंडित पद्मदेव। भागवत सोता की बात करें तो धामी फायरिंग, वैद्य सूत्र प्रकाश की बात करें तो आपका पुझोता आंदोलन, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का ए, यस पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रघुनाथ टेम्पल इज बिल्ट इन द रीन ऑफ, रघुनाथ टेम्पल बिल्ट इन द रीजन ऑफ, या किसके शासन काल में रघुनाथ टेम्पल बना था। जगत सिंह, जगत सिंह, यस आंसर इज जगत सिंह। रघुनाथ टेम्पल किसके उस पे बना था, राजा जगत सिंह के, ठीक है। तो अपना कर्स हटाने के लिए, श्राप हटाने के लिए। और राजा भूमिचंद ने कौन सा टेम्पल बनाया, ज्वालामुखी। बीरचंद ने कौन सा बनाया, नैना देवी। और सूरज सेन ने कौन सा बनाया, माधोराव टेम्पल, ठीक है। यस दामोदर दास लाया था, कहाँ से लाया था, अयोध्या से लाया था। तो आंसर इज राजा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलुज एंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राक्कस ताल इन तिब्बत। नेक्स्ट, कहां से एंटर करती है, शिपकिला से। और शिपकिला कहां पे पड़ता है आपका, किन्नौर में। यस किन्नौर फ्रॉम शिपकिला, दामिनी शर्मा, गुड। विकी धीमान ए, किन्नौर, किन्नौर 15 का ए, जिनका आंसर 15 का ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यस किन्नौर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यस गुड, जिन्होंने किन्नौर आंसर दिया है थैंक यू सो मच कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रोजेक्ट विच इज फिजिकली ऑन्ड बाय हिमाचल बट गवर्न्ड बाय अदर गवर्नमेंट। शानन, यस आंसर इज शानन प्रोजेक्ट। इट इज द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, 1932 में बना था। दूसरी चीज, किस रिवर पे बना है, आपके उहल नदी पे बना है, यानी आपके ब्यास नदी पे, जोगिंदर नगर पे बना है। पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे जो है वो इसी के बेसिस पे लगी थी ताकि वो माल यहाँ तक पहुँचा सकें। बट्टी और जोगिंदर सेन जो रूलर थे उनके बेसिस पे ये जो आपका शैनन प्रोजेक्ट है वो बना था। रोंगटोंग जो प्रोजेक्ट है वो लाहौल स्पीति में है, हाइएस्ट प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, किसी बच्चे ने मुझसे एक दिन पूछा था तो मैंने उसको तब भी आंसर दिया था, पार्वती, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, पार्वती। रोंगटोंग जो है सबसे हाईएस्ट है। सबसे पहला जो हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाया था वो था गिरी प्रोजेक्ट, गिरी नदी पे। यस ऊल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। नाउ नेक्स्ट इज, और 2023 में ये जो आपका शानन प्रोजेक्ट है आफ्टर 99 ईयर्स ये हिमाचल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स, ग्रुप ऑफ सात झीलों का या सात झीलों का समूह किसे कहा जाता है। नैको लेक को कहाँ पे है, ये किन्नौर में है और ये प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी बोलते हैं। डल लेक आपकी जो है एक चंबा में है, पर मणिमहेश को मणिमहेश लेक बोलते हैं। डल लेक इज बेसिकली इन कांगड़ा, ठीक है। घड़ासरू लेक चंबा में है। लमडाल लेक जो है उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स, कौन सी है, ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स।
जिसकी आपकी इसकी है 3505 और ये होता है 3962 और डल लेक का जो हाइट है वो इतनी है और आपकी इसकी है 3662 मीटर समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ रीड्स इज नोन बाय टू विच लेक? यस, डल इन कांगड़ा, प्राशर रिवाजर रेणुका करेरी, बेटा गगन सिंह आपको टैट और सी टैट की क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, तो जस्ट वेट फॉर 2-3 डेज। अब जो सी टैट का कोर्स और एच पी टैट का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो उसमें आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट सभी सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। रिवाल्सर प्राशर नहीं है, प्राशर जो है लैंड ऑफ लेक ऑफ वन फ्लोटिंग आइलैंड है, यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ रीड्स, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? रिवाल्सर, आंसर इज रिवाल्सर, जिसमें शिशु फेयर भी लगता है, रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ पद्म संभव। कितने टेम्पल्स हैं? 3 टेम्पल्स ऑफ हिंदूज, 3 टेम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड 1 गुरुद्वारा, जिसको और ये लेक जो है दैट इज रिलेटेड टू लोमाश ऋषि की तपस्थली, ऐसे भी बोल सकते हैं, और गुरु गोविंद सिंह भी इधर आए थे। तो रिवाल्सर प्राशर जो है वो प्राशर झील भी मंडी में है, लेकिन प्राशर के पास एक प्राशर टेम्पल भी है पगोड़ा स्टाइल का है जिसको बानसेन ने बनाया था, तो ये नहीं है। रेणुका नेचुरल लेक है एंड इट इज़ रिलेटेड टू रेणुका, कौन थी? जमादगनी की वाइफ और परशुराम की माँ, तो ये नहीं है। करेरी लेक कांगड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द तुर्क हु टेक 3000 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम ज्वालाजी, कौन था जिसने ज्वालाजी से 3000 वॉल्यूम्स ले गया था और उसके बाद उसने उसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया, देन दलाले फिरोजशाही जो बुक है उस पर लिखा था। यस, रेणुका लेक इज नोन एज स्लीपिंग वुमेन लेक। जल्दी बताइए आंसर। फिरोज शाह, यस, फिरोज शाह तुगलक जो था किस राजा के टाइम पे आया था? रूपचंद के टाइम पे, और रूपचंद किस नाटक के लिए फेमस था? धर्मचंद नाटक था जो मनिक चंद के बेसिस पे था, तो इसलिए धर्मचंद नाटक में रूपचंद को भी मेंशन किया। और फिरोज शाह तुगलक कब आए थे आपके? रूपचंद के टाइम पे, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर पे अटैक किया है ये भी आपको पता है, मोहम्मद गौरी ने किस पे किया है और खवास खान ने किस पे किया है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने किया था आपका ज्वालामुखी पे, मोहम्मद गजनवी ने किया था ब्रजेश्वरी टेम्पल पे, खफस खान ने भी 1590 में कहाँ पे किया था? ब्रजेश्वरी में। नाउ, कौन सा आइस स्केटिंग रिंग है 1920 में किसने शुरू किया था? आइस स्केटिंग रिंग किसने शुरू किया था? जल्दी, ब्लेसिंगटन, यस, ब्लेसिंगटन ने शुरू किया था आपका आइस स्केटिंग रिंग। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने नाहू में पक्का हाउस बनाया था, तो ये सारे फैक्ट्स आपके कल भी हमने डील किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, ए, जिन्होंने आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही है, प्लीज रिफ्रेश योर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाइज टॉप पोजीशन इन जिंजर प्रोडक्शन, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जिंजर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है? प्लीज स्टूडेंट्स, इज अ रिक्वेस्ट टू शेयर द वीडियो एज फास्ट एज पॉसिबल। यस, फर्स्ट विजिट शिमला, 1922 में कैनेडी हाउस बना था, पक्का हाउस भी बोलते हैं। 21 का ए, यस, सिरमौर जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप अदरक प्रोड्यूस करता है। एक और, P
पीच वैली, सबसे ज्यादा पीच जो है, पीच वैली कहाँ पे है? वो है राजगढ़। राजगढ़। सिरमौर में मिर्च भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो ये तीनों चीजें याद रखना। सेकंड, अगर जिंजर प्रोडक्शन में देखा जाए तो अभी जो है वो केरला है। आपको मैंने एक क्वेश्चन पीछे पूछा था कि जिंजर की दो वेराइटीज निकली हैं कहाँ पे, तो वो थी हमारी एक पेरिनीस, जिंजिबर पेरिनीस डिस्पुर, और कहाँ पे निकली है? आई थिंक इट्स नागालैंड, थिंक नागालैंड, ठीक है। शिमला में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? एप्पल्स होते हैं और पटेटो होते हैं, और पटेटो के लिए फेमस है कुफरी, जहाँ पे पटेटो रिसर्च सेंटर भी है। तो ये नहीं है। लाहौल जो है दैट इज फेमस फॉर कुट एंड सीड पटेटो के लिए। किन्नौर में क्या क्या लगता है? किन्नौर में केसर भी मिलता है, आपका जीरा भी मिलता है, जिसको बोलते हैं चिलगोजे, नियोजे जो होते हैं, जिसको री से डेजिग्नेट करते हैं। बीट रूट बहुत ज्यादा होता है, यानी चुकंदर, और एक वैली ऑफ ग्रेप्स दैट इज रिबा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यस, नागालैंड। व्हाट इज शिंगनी मिंगनी? शिंगनी मिंगनी क्या है? यस, एप्पल और आलू, काला जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बल मेडिसिन प्लांट, मेडिसिन प्ले सॉन्ग, व्हाट इज शिंगनी मिंगनी? यस, चिलगोजा, नियोजेनी चिलगोजा। मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन क्या है? ये हर्बल मेडिसिनल प्लांट है। देखो, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं? जोगिंदर नगर पे है। मैं आपको ये नाम लिखवा देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। जोगिंदर नगर में है हर्बल मेडिसिनल प्लांट, जोगिंदर नगर। नाम एक मिनट लिखवा देती हूँ आपको, जोगिंदर नगर, नेरी, धूमवरेड़ा, और झलेरा, जंगल झलेरा, ठीक है। ये शिमला में है, ये आपका हमीरपुर में। तो कई बार आपसे हर्बल प्लांट्स कहाँ पे हैं ये भी पूछ लेते हैं। झलेरा, नेरी, जोगिंदरनगर में। यस, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अबॉड ऑफ गॉड? अबॉड ऑफ गॉड का ऑथर कौन है? स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। ऑथर ऑफ अबॉड ऑफ गॉड, एंड्रयू विल्सन। यस, एंड्रयू विल्सन। किशोरी लाल वैद ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? पहाड़ी चित्रकला, ठीक है, आपकी हिमाचल टेम्पल्स, कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयस, पहाड़ी कल्चर, और आपकी हिमाचल के टेम्पल्स। किसने लिखी? किशोरी लाल ने, वैद्य ने। और जो आपकी शांता कुमार है, उन्होंने लिखी थी धरती है बलिदान की, पहाड़ बगाने नहीं होंगे ये। और राहुल संकृत्यान ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? हिमाचल परिचय और किन्नर देश। तो ये सारे ऑथर्स ने कौन सी बुक्स लिखी हैं मैंने आपको मेंशन कर दिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे हैं। जिन्होंने आंसर दिया एंड्रयू विल्सन वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, एट वॉट इंटरवल भुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड हेल्ड? लाजो भी लिखी है, यस। सॉरी, जल्दी बताइए। 12, यस, 12 ईयर्स के बाद
भुंडा एंड शांड फेस्टिवल्स जो हैं वो लगते हैं निर्मंड में, ठीक है। किससे रिलेटेड है? परशुराम से रिलेटेड है। शांड फेस्टिवल जो होता है वो समृद्धि का है, भुंडा फेस्टिवल भी जो है वो एक तरह से विजिट्स का फेस्टिवल है, लेकिन ये दोनों फेस्टिवल्स किससे रिलेटेड है? परशुराम से रिलेटेड है। तो कितने साल, जैसे कुंभ मनाया जाता है वैसे ही 12 साल के बाद भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। और कहते हैं कि पहाड़ से रस्सी, पहले तो बलि दी जाती थी, अब क्या है कि पहाड़ों से जो है नीचे रस्सी से टांग दिया जाता है, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट आपका, विच रूलर ऑफ चंबा डिफाइड औरंगजेब ऑर्डर टू डेमोलिश द हिंदूज टेम्पल इन द स्टेट। किस राजा, चंबा के कौन से राजा थे या कौन से शासक थे जिन्होंने औरंगजेब का रूल जो है ऑर्डर नहीं फॉलो किया था कि सारे हिंदू और टेम्पल्स को खराब कर दिया जाए? ट्वेंटी फिफ्थ का एक, छतर सिंह। यस, छतर सिंह ने जो है औरंगजेब का जो है रूल नहीं माना था। इसने क्या किया था, औरंगजेब ने इसको इनको बोला था कि भी सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इन्होंने वो ऑर्डर नहीं माना। औरंगजेब ने इनको अपने दरबार पे भी बुलाया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से औरंगजेब को लड़ाई करने के लिए जाना, लेकिन उसकी जगह इन्होंने टेम्पल पे कहते हैं बाहर जो उसका लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है उसके ऊपर एक गरुड़ की जो होस्टिंग है वो करवाई थी, ठीक है। तो ये नहीं है, युगांकर वर्मन ने जो है वो गौरी शंकर का टेम्पल बनाया है चंबा में, इनकी वाइफ ने जो है आपका हिज वाइफ नरसिंह टेम्पल बनाया है त्रिभुवन रेखा ने। साहिल वर्मन इज द फाउंडर ऑफ चंबा, अपने और इनको इनके जो गुरु थे चरपटनाथ, उन्होंने कहा था कि भरमौर से चंबा कैपिटल को शिफ्ट किया जाए, इन्होंने अपनी बेटी के नाम से चंपावती के नाम से जो है चंबा का नाम रखा है, ठीक है। और युगांकर वर्मन जो थे वो साहिल वर्मन के बेटे थे, जिन्होंने कहा जाता है जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है ना वो जिस चीज़ की बनी हुई है वो स्पेशल मटीरियल जो है वो युगांकर वर्मन लाए। लक्ष्मण वर्मन जो थे वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चंबा, लक्ष्मण वर्मन जो थे वो लास्ट रूलर थे चंबा के, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर आपके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू साइड विद ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 की क्रांति में किसने जो है आपका साथ नहीं दिया था रामपुर बुशहर के जो थे? नरसिंह मंदिर, यस, बुशहर, कहलूर, सुजानपुर, गुल्लेर। बुशहर, यस, बुशहर के जो राजा थे यानी कौन, शमशेर सिंह, अभी पढ़ा हमने शमशेर सिंह। बुशहर को ड्वेल फाउंडर कौन था? प्रद्युमन, ठीक है, जिसने अपनी कैपिटल क्या रखी थी? कामरू। उसके बाद शमशेर सिंह जो थे वो आपके जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, कामरू से आपकी सरहान वो की थी छतर सिंह ने, सरहान से रामपुर की राम सिंह ने, उसके बाद पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर, तो ये बुशहर का था। कहलूर जो है वो किसने बनाया था? बीरचंद ने बनाया था, और बीरचंद ने किनको हराया था? रोहंट ठाकुर को हराया था बुंदेलखंड से जो आए थे, ठीक है। और बीरचंद ने अपनी जो कैपिटल थी वो क्या बनाई थी? कोट कहलूर। एक और चीज़, बीरचंद ने जो है नैना देवी का टेम्पल भी बनाया है, तो ये नहीं है। सुजानपुर किसने बनाया? सुजानपुर बनाया है आपका सुजानपुर टीरा जो है घमंड चंद ने बनाया था, इसने चामुंडा टेम्पल भी बनाया। इसने संसार चंद ने जो है सुजानपुर में जो ब्रज की होली है वो किसने इनिशिएट की थी? सुजानपुर में संसार चंद ने, तो ये नहीं है। गुल्लेर, गुल्लेर का जो फाउंडर है वो कौन है? हरिचंद। तो ये सारे सेक्शंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रॉक सॉल्ट्स? रॉक सॉल्ट्स किसके हैं? रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलते हैं? मंडी, शिमला, चंबा, कुल्लू।
कुल्लू नहीं है, कुल्लू में एंटी मनी मिलता। चंबा इज फेमस फॉर स्लेट्स। शिमला में तारा देवी के पास जो है पाइराइट मिलता है। मंडी की गुम्मा एंड दरंग, गुम्मा एंड दरंग आर फेमस फॉर रॉक सॉल्ट माइन। गुम्मा एंड दरंग आर फेमस, यस, जिन्होंने भी आंसर दिया है गुम्मा एंड दरंग उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1951 टू 1952? आंसर, जल्दी बताइए। एन सी मेहता, यस। ई पी मून इज द फर्स्ट और एन सी मेहता इज द सेकेंड, तो एन सी मेहता बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन, यस। डिप्यूटी इज ई पी मून, ठीक है। भगवंत साय का जो पीरियड था वो था 63 से 66। जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था 1948 से लेकर 52 तक, तब आपके ये कमिश्नर प्रोविंस में कौन थे? एनसी मेहता, ईपी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसी मेहता, यस, जिनका आंसर सही है एनसी मेहता। द स्टोरी ऑफ वजीर ऑफ लाहौल वॉज डेकोरेटेड विद द टाइटल राय बहादुर टू असिस्ट ब्रिटिश, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो किसी को जो है ब्रिटिशर्स ने राय बहादुर की उपाधि दी गई थी लाहौल के शासन में, वो कौन था? अमरचंद, यस, राइट आंसर इज अमरचंद। नोनो वजीर, देखो जो स्पीति के लोग हैं ना वो वहाँ पे लोगों को कैसे डिजिग्नेट करते थे, नोनो से, ठीक है, तो नोनो वजीर। उसके बाद जोरावर सिंह ने 1835 में जो है लाहौल पे, लद्दाख पे आक्रमण कर दिया था, सिख था, ठीक है, तो ये नहीं है। गुलाब सिंह जो था एक अमृतसर ट्रीटी ड्यूरिंग एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के, तो ये नहीं है, नोनो वजीर नहीं है। तो अमर चंद ने फर्स्ट जो आपका ब्रिटिश की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें किसने साथ दिया था? अमर चंद ने दिया था, जिसमें उसको राय बहादुर का खिताब भी मिला था, ठीक है, तो आंसर इज अमर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यस, नोनो वजीर इज फ्रॉम स्पीति, और अगर देखा जाए जिसको बोलते हैं पहला नेगी जो था लाहौल स्पीति का वो कौन था? बलीराम। देखो इसको एक तरह से आपको स्पीति को तो उसको मनियों का देश भी बोलते हैं, लाहौल स्पीति को राहुल संकृत्यान के हिसाब से वैली ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, दक्षिण साउथ इंडिया या साउथ दक्षिण देश जो है वो लाहौल स्पीति को बोलते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपने हमने पढ़ी हैं और आपके साथ डिस्कस की हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल 1975 में मिक्स्ड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस रंग महल, जो रंग महल है बिलासपुर का, जब गोविंद सागर झील बनी थी, आर्टिफिशियल झील, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल झील कौन सी है या लेक कौन सी है? वो है आपकी गोविंद सागर। किस नदी पे बनी है? सतलुज नदी पे। सबसे छोटी कौन सी है? पंडो। और किस पे बनी है? ब्यास। और एक और बना आर्टिफिशियल, वो बना है पोंग डैम, ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़े थे। और पोंग डैम का दूसरा नाम क्या था? महाराणा प्रताप सागर। अब आपसे आज क्वेश्चन है कि राजा ऑफ कहलूर जो थे, गोविंद सागर ने जो बनाई थी, किस राजा ने बनाई थी? तो पहला क्वेश्चन ये है कि बिजई चंद, महान चंद, बीर चंद, अनंत चंद। बिजई चंद, यस, राइट आंसर इज बिजई चंद। महान चंद ने क्या किया था? ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा राजा जो था कहलूर का जिसने गोरखों को बुलाया था फॉर द लड़ाई विद संसार चंद, मतलब संसार चंद को हराने के लिए किसने बुलाया था? वो थे आपके महान चंद।
ठीक है, तो ये नहीं है। बीरचंद जो थे वो कहलूर के संस्थापक थे, लेकिन बीरचंद ने एक और टेंपल बनाया नैना देवी, तो ये नहीं है। अनंत चंद वॉज द लास्ट रूलर, और 12 अक्टूबर 1948 को इनको जो है क्या बनाया गया था, बिलासपुर का पहला आयुक्त। और उसके बाद आपका जो है श्रीचंद छाबड़ा जो थे वो सेकेंड वो बने थे। तो अनंत चंद जो थे, एक और क्वेश्चन आता है कि अनंत चंद जो थे वो किसके डिसिपल थे, वो थे महात्मा गांधी के। तो आई होप कि ये आपका सेक्शन जो है वो सही गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़, आज के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कैसे लगे तो प्लीज़ जल्दी बताइए। कल भी आपके लिए यही 30 क्वेश्चंस ऐसे ही 10 सेकंड्स जो हैं आपके साथ डील किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेक्शन कैसा लगा जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। हाँ, अभी शर्मा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आफ्टर एलाइड सेक्शन खत्म होने के बाद हम जरूर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड बाय।